नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया डे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने एयरटेल पर रिचार्ज किया है और यदि वो रिचार्ज रॉन्ग नंबर पर हो गया है, यानी आपको करना था अपने मोबाइल नंबर पर रिचार्ज और हो गया किसी गलत नंबर पर, किसी दूसरे के नंबर पर गलती से वो रिचार्ज हो गया, और यदि उस रिचार्ज को आप रिफंड लेना चाहते हैं तो कैसे आप रिफंड ले सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपने किसी भी दुकान से करवाया है तो वहाँ से आप रिवर्सल हो जाता है, और यदि आपने खुद ही रिचार्ज किया है, जैसे कि आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप से किया है या फिर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, फ्री रिचार्ज, इस प्रकार की किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से रिचार्ज किया है, और यदि आप चाहते हैं कि खुद ही आप अपने अकाउंट पर रिफंड ले लें, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एयरटेल नंबर पर गलत रिचार्ज हो गया तो भी उसको आप रिफंड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले। दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना जो मैसेज बार है उसको ओपन कर लेना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर मैं आपको नंबर बताता हूँ जिस पर आपको मैसेज सेंड करना है, यहाँ पर 51619 इस नंबर पे आपको मैसेज टाइप करना है। वो क्या टाइप करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर आपको स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है और मैसेज बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैसेज टाइप करना है कैपिटल लेटर में VRR स्पेस, उसके बाद में जो जिस नंबर पे आपने रिचार्ज हो गया यानी गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया तो वो नंबर यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं नंबर वो एंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर वो वाला नंबर मैंने एंटर कर लिया जिस पर मैंने गलत रिचार्ज किया। फिर से आपको स्पेस बार देना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी डालनी है। अब ट्रांजेक्शन आईडी कौन सी होती है, तो आपने एयरटेल थैंक्स ऐप से किया तो वहाँ पर भी आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी, अगर आपने फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किया तो जो आपने रिचार्ज किया उसको आप टैब को ओपन करोगे तो वहाँ पर भी आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ से मैंने ट्रांजेक्शन आईडी को कॉपी कर रखा है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस प्रकार की ट्रांजेक्शन आईडी होगी, और वहाँ से आप चेक कर लेना जिससे भी आपने रिचार्ज किया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं स्पेस बार दे देता हूँ और कितने नंबर का आपने रिचार्ज किया है गलत नंबर से, तो 199 का मैंने रिचार्ज कर लिया है। और उसके बाद में अपना राइट नंबर डालना है जिस नंबर पे आप रिचार्ज करने वाले थे, तो चलिए यहाँ से अपना राइट नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट नंबर डाल दिया है, उसके बाद में सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर दो मोबाइल नंबर है इसीलिए मैंने इसको ब्लर किया है, और आपको किस प्रकार से टाइप करना है यहाँ पर मैं साइड में स्क्रीन पे बता लिखा हुआ आएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसको मैसेज को आपको सेंड कर देना है, यहाँ से मैसेज सेंड हो जाएगा। उसके बाद में आपको थोड़ा वेट करना होगा, उसके बाद में जिस सिम से भी आपने रिचार्ज किया होगा उसके रिलेटेड, जैसे आपने फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी माध्यम से अगर आपने रिचार्ज किया तो 24 घंटे में आपका जो पेमेंट है वो वापस रिफंड हो जाएगा, या फिर उसके अकाउंट से डेबिट होकर जो आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर रिचार्ज हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में।